हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट विद चिल्ड वाटर सिस्टम के बारे में। तो बहुत सारे दोस्त लोगों का रिक्वेस्ट था इस पर वीडियो बनाने के लिए, तो हमने आज आप लोगों के लिए बनाया ये वीडियो। तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट विद चिल्ड वाटर सिस्टम में बेसिक चार साइकिल होते हैं। फर्स्ट हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, जैसे यहाँ पर हमने मेंशन किया है। दूसरा कंडेंसर वाटर साइकिल, तीसरा चिल्ड वाटर साइकिल और चौथा एयर साइकिल। ठीक है, एक एक करके हम सबका एक्सप्लेन करेंगे। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक ड्राइंग बनाया है जिसके आपको समझ में आए, एक चिलर प्लांट का। ये हमारा चिलर प्लांट रूम है, ये प्लांट रूम के एरिया के अंदर ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। तो हम एक एक करके बताएंगे। ये हमारा कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर से जो लाइन एक निकलता है वो डिस्चार्ज लाइन निकलता है। ठीक है ना, इसमें दो लाइन, एक तो सक्शन लाइन आता है, दूसरा डिस्चार्ज लाइन निकलता है। ऑलरेडी रेफ्रिजरेशन साइकिल का वीडियो है, कंडेंसर का है, चिलर का है, अलग अलग पार्ट में सबका है, लेकिन आज हम एक साथ सबका एक्सप्लेन करेंगे। कूलिंग टावर का वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो आप देख रहे हैं उसी को। तो कंप्रेसर से जो हमारा लाइन निकला, तो ये हमारा कौन सा लाइन निकला, डिस्चार्ज लाइन। तो इसके अंदर कैसा प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, मोर सुपरहीट वेपर रहता है। तो ये वेपर रेफ्रिजरेंट यहां से जो है कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में आने के बाद ये कंडेंसिंग मीडियम एयर या वाटर, तो ये वाटर कूल्ड कंडेंसर है। तो वाटर कूल कंडेंसर में क्या है, वाटर को सर्कुलेट कराया जा रहा है। अगर एयर कूल्ड रहेगा तो एयर के जरिए अपना वो रेफ्रिजरेंट जो है वेपर से लिक्विड बदलता है। तो यहाँ पे हमारा कूलिंग टावर लगा है, वाटर इंक्लूड हो रहा है। ये कंडेंसर हमारा सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है। ओके, तो ये रेफ्रिजरेंट जो है हमारा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, मोर सुपरहीट वेपर, ये कंडेंसर में यहाँ पे इन किया, और इन करने के बाद ये वाटर का यहाँ पे जो है टेम्परेचर डाउन होता है रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज्यादा होता है, और ये इसके अंदर जो ट्यूब में वाटर है, तो वाटर का टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से डाउन होता है, जिसके जरिए हमारा यहाँ पर रेफ्रिजरेंट कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद यहाँ से लाइन जो निकलता है, उसके बाद ये लिक्विड लाइन निकलता है, जो एल एल शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं हम, लिक्विड लाइन। तो लिक्विड लाइन के आपको लिक्विड लाइन निकलने के बाद इस लाइन में एक फिल्टर भी रहता है, जो मैंने यहाँ फिल्टर नहीं डाला था, ड्रायर जिसको बोलते हैं, ड्रायर फिल्टर। इसके बाद यहाँ पर आपको थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब है, TXB। एक्सपेंशन बल्ब का क्या काम होता है, इसके बारे में भी वीडियो है। एक्सपेंशन बल्ब का काम यह है कि जो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, सब कुल लिक्विड जो आ रहा है ना, उसका प्रेशर को ड्रॉप कर देता है। प्रेशर को ड्रॉप करने से क्या होता है कि हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, प्रेशर इसका लो हो जाता है। ठीक है ना, जब प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर भी लो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लो प्रेशर, लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट जो है हमारा, ये चिलर में आता है। ठीक है, चिलर बोलिए या इसको कूलर बोलिए, एवोपरेटर, इसको दो तीन नाम से जाना जाता है। तो अभी हमारा ये हमारा लो प्रेशर, लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट हमारा चिलर में आया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो वाटर आ रहा है एचयू से रिटर्न, ये हम नेक्स्ट साइकिल में अभी बताएंगे। इसके अंदर जो वाटर आ रहा है हमारा, तो अभी यहाँ पे हमारा सेल एंड ट्यूब टाइप चिलर है। इस चिलर में क्या है कि दो तरह का चिलर भी आता है, डेक चिलर आता है, फ्लडेड चिलर आता है। तो ये जो हमारा है ये फ्लडेड चिलर है। ये पहचानने का तरीका क्या है कि इसका सेल में रेफ्रिजरेंट रहेगा और ट्यूब में वाटर रहेगा। ठीक है, और जिस सिस्टम में आपका ट्यूब में रेफ्रिजरेंट रहेगा, ओके, जिस ट्यूब में रेफ्रिजरेंट रहेगा और सेल में वाटर रहेगा, वो हमारा डीएक्स चिलर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि सेल में रेफ्रिजरेंट को एंटर कराया है, तो ये हमारा फ्लडेड चिलर है। तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर, ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर है, तो ये क्या करेगा, पानी का जो गर्मी है उसको लेकर के खुद रेफ्रिजरेंट को बॉइल कर लेता है, और ये रेफ्रिजरेंट वेपर कंडीशन में होने के बाद ये वापिस हमारा सक्शन लाइन में, ये कंप्रेसर में वापिस सक्शन लाइन के जरिए वापिस हमारा कंप्रेसर में आ जाता है, जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपरहीट वेपर कंडीशन में हमारा रेफ्रिजरेंट होता है। तो ये हमारा था रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा क्या है, कंडेंसर वाटर साइकिल, कंडेंसर वाटर साइकिल। तो कंडेंसर वाटर साइकिल में क्या है हमारा, कंडेंसर वाटर साइकिल में हमारा कंडेंसर वाटर पंप, कूलिंग टावर और कंडेंसर। इसमें क्या होता है कि कूलिंग टावर से जो पानी आ रहा है, तो ये कंडेंसर वाटर पंप में आएगा, CWP, मतलब कंडेंसर वाटर पंप।
ये यहाँ से पंप करके कंडेंसर में पानी को भेजता है। कंडेंसर वाटर ये सप्लाई है, ये यहाँ पर रिटर्न है। कभी भी हमारा जो है ना सप्लाई नीचे से इन कराया जाता है और ये ऊपर से आउट कराया जाता है। तो ये हमारा कंडेंसर में पानी इन किया, इन करने के बाद वापिस रेफ्रिजरेंट का गर्मी को लेते हुए पानी हीट हो जाता है। जो हमारा जो ठंडा पानी आ रहा है ना, जो भी है कूलिंग टावर के एफिशिएंसी के हिसाब से कितना कूलिंग टावर कितना टंक लगा है, तो उस हिसाब से हमारे पानी को ठंडा कर रहा है। नॉर्मली मान लीजिए अगर 25 to 26 डिग्री टेम्परेचर का पानी आप इंटर करा रहे हैं कंडेंसर में, ठीक है, तो अभी क्या होगा कि इसका जो आउट पानी करेगा तो लगभग ये 30 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो जाएगा। मतलब इसका जो डेल्टा टी हो गया वो लगभग 5 से 6 डिग्री का आपको डेल्टा टी निकलेगा। तो ये हमारा जो कंडेंसर से पानी आउट किया ये वापस कूलिंग टावर जाएगा। अब ये पानी तो हीट हो गया ना, तभी हीट पानी वापस हम इसको नहीं दे सकते हैं, तो ये कूलिंग टावर में आता है। अब कूलिंग टावर में यहाँ पे बहुत सारा ये नोजल लगा हुआ रहता है जिसके जरिए ये पानी को स्प्रे कराता है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये फैन लगा हुआ है, सिटी फैन, कूलिंग टावर का फैन, ये अपना इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। ये फैन चलता है जिसके जरिए उसको पानी को वेपराइज करते हुए पानी ठंडा हो जाता है। ये सम्प क्वार्टर है, ये जो है ना ये सम्प क्वार्टर में ठंडा पानी जमा हो जाता है, फिर यहाँ से जो है पानी यहाँ से आउट करता है। इसका कूलिंग टावर से पानी आउट करता है और ये वापिस आता है हमारा कंडेंसर वाटर पंप में और ये वापिस यहाँ पे सप्लाई करता है। तो इस तरह से ये कंडेंसर वाटर साइकिल प्रोसेस काम करता है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसका पंप रहेगा, पंप और कूलिंग टावर और कंडेंसर, इसके बीच में ये साइकिल चलता है। इसका प्रोसेस खत्म। नेक्स्ट हमारा क्या है, चिल्ड वाटर साइकिल। चिल्ड वाटर साइकिल में क्या होता है, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप और चिलर और हमारा AHU, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी पंप जो है, कभी कभी आपको जो कहीं दूसरे जगह प्लांट में जाएंगे ना तो सिर्फ एक ही पंप मिलेगा, प्राइमरी पंप आप बोल लीजिए, सेकेंडरी पंप, एक ही पंप मिलेगा जो चिलर में सप्लाई करेगा और वही AHU में वापिस जाएगा और वो पानी वापस रिटर्न प्राइमरी पंप में आएगा। लेकिन वो एरिया जहां पे कम रहता है ना वहां पे यूज किया जाता है, लेकिन जहां पे ज्यादा डिस्टेंस का एरिया है तो बेसिकली आपको सेकेंडरी पंप भी मिलेगा। तो प्राइमरी पंप, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राइमरी पंप का जो पानी है ये चिलर में इंटर कर रहा है, ठीक है ना, चिल्ड वाटर रिटर्न इसमें आ रहा है और ये पानी जो है इसके अंदर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट जो पानी ठंडा हो गया हमारा, इस पानी को वापस चिल्ड वाटर सप्लाई जो आप देख रहे हैं ना ये सप्लाई होकर के सेकेंडरी पंप में जा रहा है, ठीक है। प्राइमरी पंप से पानी जो है हमारा चिलर में एंटर किया और ये चिलर का पानी जो वापस ठंडा होकर के जो रिटर्न जो जा रहा है सप्लाई, जिसको सप्लाई वाटर हम लोग बोलेंगे, ये सेकेंडरी पंप में जाएगा और सेकेंडरी पंप से जो निकलेगा पानी ना, सेकेंडरी पंप से देखिए चिल्ड वाटर सप्लाई, ये सेकेंडरी पंप से जो पानी आ रहा है तो AHU के इनलेट में जा रहा है, ठीक है, ये इन कर रहा है AHU में, ये इन कर रहा है, ये सेकेंडरी पंप से जो पानी निकल करके आया ये AHU में इन किया और वापिस उसके बाद यहाँ पे जो साइकिल लगा हुआ है अपना पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। मान लीजिए 7 डिग्री सेंटीग्रेड अगर पानी इन कर रहा है तो लगभग आपको 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पानी का टेम्परेचर आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे डेल्टा टी यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है, क्यों, यहां से हीट लेकर के जो एयर का सर्कुलेट कर जाता है, तो ये हम आपको बताएंगे एयर साइकिल में। ये यहां से पानी वापस यहां पे 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी ये हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ये पानी वापस किधर जाएगा, ये जो रिटर्न चिल्ड वाटर रिटर्न है ये कहां जा रहा है, प्राइमरी पंप में जा रहा है। ये जो रिटर्न वाटर है ना ये प्राइमरी पंप इसको खींच रहा है, खींच करके चिलर में दे रहा है। जैसा कि चिल्ड वाटर रिटर्न आपको देख रहे हैं, ये चिल्ड वाटर रिटर्न चिलर का इन में जाएगा, ठीक है, ये हमारा इन कर रहा है। यहाँ जो AHU से पानी रिटर्न निकला ये हमारा आया चिलर का इन में, ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है एयर साइकिल। एयर साइकिल में क्या होता है कि आपको फिल्टर रहेगा, फिल्टर रहेगा, फिर ब्लोअर रहेगा, इस तरह से बैक फिल्टर, प्री फिल्टर, इसका एक वीडियो है मेरा लाइव, आप उसको देखें। यहाँ पे देखिए इसके अंदर रिटर्न एयर आ रहा है, RA मतलब रिटर्न एयर, रिटर्न एयर डक्ट। अब इसका जो है इसके अंदर चिल्ड वाटर सप्लाई वो क्या है, प्रोसीजर होते हुए जो अपना हीट एयर है, मान लीजिए रिटर्न एयर हमको आ रहा है 23 से 25 के बीच में,
सेंटीग्रेड के बीच में हमारा रिटर्न एयर का टेम्परेचर है, तो सप्लाई आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपको यहाँ पे मिलेगा, जिस हिसाब से इसका कॉइल का डिजाइन और जितना कैपेसिटी का बनाया रहेगा। ये क्या है, अभी देखिए यहाँ पे 7 डिग्री पानी इन कर रहा है ना, तो ये हमारा जो हीट एयर जो इसे टकरा रहा है तो पानी है गर्म हो जा रहा है, पानी गर्म होने के बाद यहाँ 12 से 14 डिग्री यहाँ पर आउट कर रहा है, तो ये प्रोसीजर हमारा होता है। अभी एक चीज और इसमें क्या है, रिटर्न एयर जो हमारा आ रहा है तो एयर कंडीशनिंग रूम से आ रहा है, ठीक है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा ज्यादा बढ़ जाने के चलते क्या होता है कि फ्रेश एयर को ऐड किया जाता है, ये अलग से लगाया जाता है, ये भी कंट्रोल रहता है, ठीक है, या कहीं कहीं मैनुअल भी देता है। तो ये भी फ्रेश एयर में क्या होता है कि बाहर को फ्रेश एयर को रिटर्न एयर के साथ मिक्स कराया जाता है कि उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो लेवल में आ जाए और वो खत्म हो जाए। अब उसके बाद जो हमारा फ्रेश एयर, उसके बाद जो हमारा सप्लाई एयर जो है यहां से आउट करता है, वापिस जो हमारा ये एयर कंडीशनिंग रूम में जाता है, ये सर्कुलेट इसी तरह से होता है, एयर कंडीशनिंग रूम में सप्लाई एयर जाएगा, वापिस वहां से रिटर्न एयर यहाँ पे आएगा एचयू में, और ये साइकिल हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट चलते रहेगा। अभी इसमें एक चीज छूट रहा है, एक्सपेंशन टैंक, ठीक है ना, ये एक्सपेंशन टैंक बोलिए और मेकअप वाटर टैंक, ये जो है मेकअप टैंक, इसमें क्या होता है कि जब हमारा चीलर का जो पानी ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद चिल्ड वाटर का वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है ना, कोई भी चीज को आप ठंडा करेंगे, जब भी आप फ्रिज में आइस को पानी को रखते हैं ना, तो पानी जब आइस बनने लगता है तो आप देखे होंगे कि पानी का लेवल जो है घट जाता है, उसी तरह से अभी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी रहता है चीलर में, तब क्या होता है कि पानी का वॉल्यूम कम होने से एक्सपेंशन टैंक से जो पानी है वो हमारा रिटर्न वाटर के जरिए, अपना चिल्ड वाटर जो रिटर्न है ना, ये रिटर्न में कनेक्ट किया हुआ रहता है, चिल्ड वाटर रिटर्न में कनेक्ट किया रहता है, और जितना पानी का रिक्वायर्ड रहता है उतना पानी इसमें इंटर कर जाता है। ओके, अभी फिर जब पानी, अब मान लीजिए चिलर प्लांट बंद हुआ, अब पानी तो आगे निकलेगा, अब उसमें क्यों अभी आपने एक्स्ट्रा ऐड किया था, तब क्या होगा, वापिस इसी के जरिए पानी इसमें चला आता है, और कुछ पानी बहुत सारा एचयू वगैरह में कंडेंस हो जाता है, अपना देखे होंगे एचयू ब्लोअर फैन वगैरह चलते आता है, तो उसके बाद थोड़ा पानी कंडेंस हो जाता है, इधर उधर कहीं कहीं लीक होता है, तो उसके लिए भी मेंटेन होता है अपना एक्सपेंशन टैंक से। तो ये था हमारा फुल प्रोसीजर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट विथ चिल्ड वाटर सिस्टम का, ये चीज प्रोसीजर होता है, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा हर जगह। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को नॉलेज मिला होगा और आप लोग बहुत कुछ जानकारी लिए होंगे, और फिर भी कहीं पे कोई डाउट है, किसी चीज को समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट में मैसेज करें, हम उसको बताने का कोशिश करेंगे, और भी आप किसी दूसरे टॉपिक पे जानना चाहते हैं किसी भी तरह का वीडियो, तो आप कमेंट में मैसेज करें, हम उस पर भी बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए फिर आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।